जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ आज फिर एहतसाब अदालत पेश हो गए। आशियाना इकबाल स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आला समेत दीगर मुलजिमान पर पर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कंटेनर्स, खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द रास्ते बंद कर दिए गए। तुम्हें पता नहीं मैं एमएनए हूं, मुझे क्यों रोका? परवेज मलिक एहतसाब अदालत के गेट पर रोके जाने पर आग बगोला। आप मेंबर असेंबली हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इजाजत मिलेगी तो अंदर जाने दूंगा। पुलिस एहलकार का जवाब। एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक वहीद और कारकुन भी एहतसाब अदालत के बाहर पहुंच गए। मुस्तकिल किया जा रहा है ना ही स्केल्स की अपग्रेडेशन। सर्विसेज अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, एमएस ऑफिस के सामने मुजाहरा, नारेबाजी। पुलिस फंड्स में करोड़ों रुपए का गड़बड़ घोटाला। साबिक डीपीओ राय एजाज, कामरान मुमताज और दीगर 11 मुलजिमों की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिमों के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। राय एजाज ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से रजू भी कर लिया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पीसी होटल में इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस का आगाज। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यलगारिया, कैनेडा और दीगर ममालिक के 500 से ज़ायद माहिरीन, रिसर्चर्स और दीगर अफराद की शिरकत। वज़ीर-ए-आला ने पाक चीन बफलो रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। दो रोज ताखिर के बाद सीएनजी इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की फराहमी शुरू। एंग्रो टर्मिनल की मरम्मत के बाद 7 रोज तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रही और फिर मरम्मत के बाद भी मजीद 2 रोज सप्लाई बहाल ना हो सकी थी। गज्जुमता से भट्टा मालिक का 4 साल मखबी बच्चा बाजिया। मुलजिमों ने शुएब को एक दरबार में रखा था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने छापा मारकर 3 मुलजिम अब्दुल्ला, आदिल और फरूख को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिम बच्चे के मोहल्लेदार। पुलिस ने तावान की रकम 25 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मेट्रो बस के जंगले से जा टकराई। कार सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और शहर में सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं और गहरे बादल। अब सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही, बारिश भी होगी। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया।